नमस्कार दोस्तों, कई बार हमारे शरीर में अनेकों छोटी मोटी परेशानियां आती ही रहती हैं। ऐसे में अक्सर हम या तो परेशानी को झेलते रहते हैं या फिर एलोपैथिक पेन किलर का सहारा लेते हैं। परंतु आपको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे आसपास ही प्रकृति ने इसका समाधान भी रखा है, पर अज्ञानतावश उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो आज हम चर्चा करेंगे एरंड के पौधे की। एरंड औषधीय गुणों से भरपूर एक पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम रिसिनस कम्युनिस है। इसके औषधीय और पौष्टिक गुणों के कारण ही यह कई रोगों को ठीक करता है। यह दर्द और सूजन मिटाने में विशेष लाभकारी है। एरंड का तेल कब्ज मिटाने के लिए रामबाण औषधि है। नींद ना आने पर इसके पत्तों को दूध के साथ पीसकर माथे पर और कनपट्टी में लगाने से नींद अच्छी और गहरी आती है। फटी एड़ियों के इलाज के लिए इसके बीजों का तेल गर्म करके सोते समय एड़ियों की मालिश करने से फटी एड़ियां ठीक होती है। त्वचा संबंधी रोग जैसे खाज, खुजली, दाद आदि से परेशान हो रात को प्रभावित स्थान में इसका तेल लगाने से फायदा होता है। यदि आपके सिर में बाल कम है या गंजापन है, पलकों या भवों में भी बाल कम है, तो सोते समय इसके तेल की मालिश करने से लाभ मिलता है। बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए एरंड का रस शहद में मिलाकर बच्चों को देना चाहिए। पायरिया रोग में इसके तेल में असली कपूर मिलाकर मसूड़ों की मालिश करने से बहुत आराम पड़ता है। त्वचा से यदि मस्से और तिल हटाने हों तो इसके पत्ते पर थोड़ा चूना लगाकर लगाने से मस्से और तिल हट जाते हैं। शरीर में चोट लगने पर, जख्म या घाव होने पर या मोच आदि आने पर इसके पत्ते बांधने से बहुत फायदा होता है। एरंड के तेल की 2 चम्मच दूध में मिलाकर पीने से कब्ज मिटती है तथा पेट के विकार शांत होते हैं। पीलिया रोग में इसके पत्तों का रस बहुत लाभकारी है। पेट दर्द, कोलाइटिस, कब्ज, अपेंडिक्स का दर्द, आंतों के इन्फेक्शन में इसके तेल को दूध के साथ लेने से लाभ मिलता है। छोटे बच्चों के गुदा द्वार में चुन्ने काटने पर इसके पत्तों का रस दिन में 3-4 बार लगाने से बहुत फायदा होता है। धन्यवाद दोस्तों।